जयपुर जिले के ललोदी थाना क्षेत्र के मुत्तौर में रहने वाले गोविंद द्विवेदी ने एसपी को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि गांव में मेरी परचून की दुकान है, जहां गांव के रोहित उधार सामान लेता था। जब मेरे द्वारा पैसा मांगा गया तो अपने भाई के साथ मेरी दुकान में आकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसकी शिकायत थाना में किया, जहां उतक लोगों ने दुकान में हुई तोड़फोड़ का पैसा देने की बात कही, जिसके बाद थाने में समझौता होने के बाद मैंने कुछ दिन बाद पैसा मांगा तो रोहित अपने कुछ दोस्तों के साथ तमंचे के बल पर मेरे साथ मारपीट कर घायल कर दिया और दुकान में रखे 2000 रुपए लूट कर भाग गया। जी, क्या घटना हुई आपके साथ, आज आप कहाँ आए हुए हैं? मैं यहाँ फतेहपुर पुलिस अधीक्षक आया हुआ हूँ। मैं एक दुकान रखा हूँ, एक रोहित शुक्ला नाम का लड़का आया उधार मांगने, तो मैंने एक दिन उसको उधार दे दिया। दूसरे दिन वो फिर आया तो मैंने बोला मेरी इतनी बड़ी दुकान नहीं है, मैं उधार आपको नहीं दे पाऊँगा। तो वो घर जाकर अपने भाई विपिन शुक्ला को लेकर मेरे पास आया और मुझे मारने लगा। तो मेरे पिताजी भी थे, लेकिन हम लोग उनकी नीयत समझ गए कि उनको मारने वाले, तो हम लोगों ने कुंडी बंद कर लिया, तो मेरी गाड़ी तोड़ दी और मेरा टीन से तोड़ दिया। इसके बाद हमने फिर चौकी गए, चौकी में जाकर उनके घर वालों ने मतलब दबाव बनाया, पैर रच हुआ। इसके बाद बताया कि सुलह हो जाओ, आज के बाद कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है। तो श्रीमान जी के सामने हम लोग सुलह हो गए। सुलह होने में 25,000 रुपये देने को कहा और गाड़ी बनवाने को कहा, तो हमने मान लिया। लेकिन जब दोबारा हम एक दो हफ्ते बाद जब उनसे पैसे मांगे तो पैसे देने से इनकार कर दिया। और दूसरे दिन गुंडे लगाकर, 5 गुंडे आए रात को दुकान में, बैठा था मैं 7:30 बजे के लमसम, दुकान में 5 गुंडे आए और तमंचे के बाद से दुकान के अंदर मार कर मेरे पैसे लेके भाग गए। लमसम 1600 या 1800 रुपये थे, एक नमकीन की पॉकेट और एक कैप्टन की डिब्बी सिगरेट लेकर।